और देखिए अमृतपाल ने सरेंडर की तीन शर्तों को रखा। पंजाब पुलिस का अब इस पर बड़ा बयान। अमृतपाल की तीन शर्तों से जुड़ी खबर सरासर गलत है, यह पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया है। अमृतपाल ने सरेंडर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, सरेंडर को लेकर अमृतपाल से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो पंजाब पुलिस अब यह कह रही है कि अमृतपाल को लेकर जो खबर थी कि वो अगर सरेंडर करता है तो वो तीन शर्तों पर ही सरेंडर करेगा, लेकिन इसे सरासर गलत बताया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से। और कल अमृतपाल एक वीडियो के जरिए सामने आया और पुलिस को खुला चैलेंज दिया। आज अमृतपाल का एक ऑडियो आया है और उस ऑडियो में अमृतपाल बताता है कि अमृतपाल डर रहा है। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि 13 दिन की फरारी के बाद अमृतपाल के तेवर कैसे बदल गए हैं। अमृतपाल जब तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर नहीं था, बेधड़क होकर लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। कल भले ही उसने वीडियो जारी कर पुलिस को खुला चैलेंज दिया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो आक्रामक अंदाज गायब था। वो कैमरा तक फेस नहीं कर पा रहा था। इसका संकेत वीडियो जारी होने के अगले ही दिन मिल गया। अमृतपाल का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि मेरे को आदत ही नहीं है कि मैं कैमरे की तरफ देख कर बोलूं। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चढ़दी कला में नहीं हूं। मेरी गिरफ्तारी की कोई बात किसी के साथ नहीं हुई है। सोचिए 24 घंटे में कैसे पूरी पिक्चर बदल चुकी है। पुलिस के खिलाफ दहाड़ने वाला अमृतपाल अब सफाई देने पर उतर आया है, तो क्या उसे अपनी गिरफ्तारी का डर लगने लगा है?